साल 2021 एक ऐसा साल जो जाते जाते हमें बहुत कुछ देके गया, लेकिन वो जाते वक्त हमसे कुछ ऐसा चीज़ें लेके गया जो हम खोने के लिए एकदम से तैयार नहीं थे। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से वो देनी चाहिए हमें एक इंट्रोडक्शन। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में, जहाँ पर मैं हूँ आपके साथ तापस और आप देख रहे हैं द इंडियन पेंटर चैनल। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके द इंडियन पेंटर फैमिली का मेंबर बन जाइए, और इस सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बेल आइकन रखा हुआ है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि हम वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो इस वीडियो अगर आप लोगों को ज्यादा पसंद आ जाए तो वीडियो को अपने दोस्त के साथ, अपने आप लोग के साथ शेयर कर दीजिए। तो गाइस, आते हैं आप मेन टॉपिक पर। 8 दिसंबर 2021 दोपहर के आसपास एक IAF MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और उसके साथ एक ऐसा खबर हमें सुनने को मिला जो सुनने के लिए हम एकदम से तैयार नहीं थे। जो खबर सुनने के बाद पूरे भारत में एक शोक की काली पर्दा छा चुका है। उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, श्रीमती माधुलिका रावत और उसमें सवार और अन्य 11 लोगों की मौत हो गई है। उस बात को सुनने के बाद हमारे सबके दिल कांच के भांति टूट गया है, और हो भी क्यों ना, जिन्होंने अपने जिंदगी के आधे से ज्यादा समय देश के भक्ति में, देश के रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। बिपिन रावत इंडियन मिलिट्री के एक ऐसे जाने माने नाम जिनका पूरा नाम है बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत। इनका जन्म 16 मार्च 1998 को पौरी गढ़वाल में हुआ था, और मृत्यु के वक्त उनका एज था 63 साल। जनरल बिपिन रावत इंडियन मिलिट्री का एक ऐसा नाम जो अपने देश प्रेम के कारण से कुछ ऐसे अवार्ड्स, कुछ ऐसे मेडल्स को अपने नाम पे करवा लिए जिसका अक्सर लोग सपने देखा करते हैं। उनमें से कुछ है परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और बहुत कुछ, जिसका नाम लेते लेते हम खुद ही थक गए हैं। बिपिन रावत एक ऐसा नाम जिसका कमी हमें पूरे जिंदगी भर महसूस होती रहेगी। हम सारे भारतीय आपको दिल की गहराइयों से नमन करते हैं। सैल्यूट यू सर, वी विल ऑलवेज मिस यू। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। आप लोगों ने 2021 में क्या क्या पाया और क्या क्या खोया वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि दिल की बातें शेयर करने से प्यार बढ़ते हैं, और आपके और हमारे प्यार इतना ज़्यादा होना चाहिए कि दुनिया की सारी चीज़ इसके आगे छोटा लगने लगे। लव यू ऑल, लव यू सो मच। तो इस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।